नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़ लाइव डॉट कॉम और मैं हूं आपके साथ आशुपुत्र देवड़ी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगातार लोग अपनी नौकरियां खो रहे हैं। ईवाई ने दावा किया है कि अगर प्रधानमंत्री के 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपने को साकार करना है तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 9% पे होना होगा, जो अभी मात्र 7% पे है। तो क्या भारतीय इकोनॉमी लड़खड़ा रही है? क्या भारतीय इकोनॉमी को बहुत बड़ा खतरा सता रहा है? आज बात हम इसी पर करेंगे। तो इससे पहले कि हम आपको कुछ चैलेंजेस बताएं, पहले ये देख लेते कि भारतीय इकोनॉमी में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या पॉजिटिव्स हमारे सामने, हमारे देश के सामने, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के सामने इस वक्त हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2002 में आए RTE यानी राइट टू एजुकेशन की। RTE की वजह से जो 1991 में हमारे देश का साक्षरता दर था वो 52.2 से जाकर 2011 में 74.04 हो गया, यानी कि हमने मात्र 20 सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ बनाई अपने एजुकेशन के सेक्टर में, जिसका श्रेय यकीनन सरकार को दिया जाना चाहिए, जो RTE यानी राइट टू एजुकेशन की वजह से हुआ। और इस वक्त देश में साक्षरता दर बढ़ती चली जा रही है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत सुंदर बात है, एक बहुत अच्छी बात है। दूसरे बड़े पॉजिटिव पर आते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 2017 में विश्व में हमारी रैंकिंग थी 90वें पायदान पे हम लोग थे, मगर अभी 2019 आते आते हम 77 पर पहुंच गए हैं। यानी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग लगातार अच्छी होती जा रही है। मूडीज जो इस तरह की रैंकिंग समय देता है, उसने 3 कारण बताए कि हमारी रैंकिंग्स में सुधार क्यों आ रहा है। उसने कहा है कि बिजली का परमिट मिलना, व्यापार का परमिट मिलना और विदेशों से व्यापार करना आसान हो चुका है भारत में। यकीनन इसके लिए सरकार की पॉलिसीज़ भी जिम्मेदार हैं, सरकार की पॉलिसीज़ को श्रेय दिया जाना चाहिए कि आखिर कितनी अच्छी तरह से भारत में बिजनेस करना आसान होता जा रहा है। यह हमारे देश के लिए भी अच्छी बात है, ये विदेश से जो FDI हमारे देश में आ रहा है उसके लिए भी अच्छी बात है। अब तीसरा बड़ा पॉइंट FDI को लेकर ही है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने बताया हमें कि पिछले साल मात्र 9 महीने में, 2018 के मात्र 9 महीने में 33.5 बिलियन डॉलर्स का FDI आया। अब FDI अच्छा है या बुरा, इस पर बहस हो सकती है, प्रधानमंत्री के पुराने बयानों को भी खकोला जा सकता है, मगर फिलहाल तो ये बात सत्य है कि FDI से हमारे देश को फ़ायदा हो रहा है और FDI हमारे देश में आ रहा है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो देश रशिया या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, वो देश है मॉरिशस और सिंगापुर। मॉरिशस और सिंगापुर हमारे देश को काफ़ी अच्छा मानते हैं बिजनेस के लिए, और यकीनन यही वजह है जिसकी वजह से वो हमारे ऊपर निवेश करते हैं। अब बढ़ते हैं चैलेंजेस की तरफ, अब बढ़ते हैं असल सवालों की तरफ। ये तो हमने की अच्छी बातें जो हमारी इकोनॉमी की है, और इन बातों को हम लगातार अखबारों में, TV स्टूडियो पर सुनते भी देखते हैं, मगर अब बात करते हैं चैलेंजेस की। क्या हमारे सामने सवाल खड़े हैं और क्यों हमें सवालों का सामना करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें बनना है तो कैसे हम अपनी GDP ग्रोथ रेट को 9% पर पहुंचाएं, जो फिलहाल अभी 7% पर है। यकीनन ये काम इतना आसान होगा नहीं और इसके लिए हमें भरसक प्रयास करने होंगे, मगर सबसे बड़ा सवाल फिर भी यही रहता है जो हमारे देश में अभी भी है, भारत में अमीरी और गरीबी के गैप को कम करना। रशिया के बाद दुनिया में हम दूसरे सबसे ऐसे पहले देश हैं जहां अमीरी और गरीबी का गैप सबसे ज़्यादा है। यानी सबसे ज़्यादा अमीरी और गरीबी का गैप कहां पर है? रशिया में। उसके बाद कहां है? भारत में। पूरे विश्व के 200 से ज़्यादा देशों में हम दूसरे पायदान पर आते हैं और हमारे वहाँ अमीरी और गरीबी का गैप बहुत ज़्यादा है। कुछ आंकड़े मैं आपको दूंगा जिन्हें देखकर शायद आप चौंक भी जाएं। केवल 6% गरीबों को टैप वाटर यानी नल के पानी की सुविधा उपलब्ध है, जबकि कॉमन आदमी भारत का 33% जो जनसंख्या है उसको ये सुविधा उपलब्ध है। केवल 21% गरीबों को टॉयलेट यानी शौचालयों की व्यवस्था उनके लिए की गई है। सरकार की तमाम मुहिमों के बावजूद यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। ऑक्सजन के अनुसार भारत की 1% आबादी के पास भारत की 74% वेल्थ है, यानी कि 74% वेल्थ देश की, 74% पैसा देश का मात्र 1% आबादी के पास है, और इससे ज़्यादा हमारे लिए भयभीत होने वाली चीज़ मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है।
हमारे देश की एजुकेशन का और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। अगर दिल्ली को छोड़ दें तो शायद देश के किसी दूसरे स्टेट में शिक्षा की जो स्थिति है वो यकीनन शर्मनाक है। वह इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ख़राब है, हेल्थ की हालत बहुत ख़राब है, लोग सरकारी अस्पतालों में जाना ही नहीं चाहते। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है और इस पर हमें काम भी करना चाहिए। तीसरी बड़ी चीज़ आती है करप्शन को लेकर, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम CPI परसेप्शंस में, यानी कि CPI ने जो डेटा हमें दिया उसके अंतर्गत हम 180 देशों में 78वें रैंक हमारी है। हमारा स्कोर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 100 में से 41 रहा। उसने कहा कि एशिया पैसिफिक, जिसका हिस्सा भारत भी है, उस हिस्से में पिछले कई दशकों से या तो कुछ थोड़ी प्रोग्रेस हुई है करप्शन को लेकर या बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, और भारत उन देशों में जहां प्रोग्रेस बिल्कुल भी नहीं हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का और ये भी कहना है कि भारत में लगता भी नहीं कि करप्शन को सीरियसली देखा जा रहा है और करप्शन को सीरियसली टैकल करने वाली चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। करप्शन का इतनी ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में होना, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को हिला रहा है। ये गरीबों का उनका हक नहीं मिलने देता, ये देश में समानता होने से रोकता है। तमाम वो बातें हैं जो करप्शन हमारे देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहा है, उसे कमज़ोर कर रहा है। तो बॉटम लाइन क्या है, हम समरी क्या दे सकते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की? हमने आपको पॉजिटिव्स बताए, हमने आपको नेगेटिव्स बताए। बॉटम लाइन अगर आप मुझसे पूछे तो बॉटम लाइन सिर्फ इतनी सी है कि जो हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई थी उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारी इकोनॉमी जो एक समय डूब रही थी आज वो दुनिया की शिखर की इकोनॉमीज में से एक है। मगर ये हक गरीबों को, ये हक इकोनॉमी को, ये हमारे देश की भारत माता का हक तब तक साकार नहीं होगा प्रधानमंत्री के 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का भी, जब तक हम अपनी GDP की ग्रोथ रेट और नहीं बढ़ाएंगे, और विशेषकर जब तक हम अमीरी और गरीबी का गैप कम नहीं करेंगे। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।